हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करना और इसमें लाइनिंग अटैच करना बता रही हूँ। तो देखिए, हमारा ये यहाँ से जॉइंट है, तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगी हुई थी तो मैंने सिलाई को हटा लिया है और आगे के और पीछे के हिस्से दोनों अलग कर लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कपड़ा काफ़ी बारीक है, तो जब भी हमारा बारीक कपड़ा होता है तो बेटर होता है कि हम पहले लाइनिंग की कटिंग कर ले। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद हमें ये बेनिफिट होता है कि लाइनिंग रख के हम फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारा आराम से, इसको सपोर्ट मिल जाती है, कपड़े को आराम से इसकी कटिंग हो जाती है। तो पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है और ये कॉटन का कपड़ा है। अगर आपकी लाइनिंग कॉटन की है तो आप उसको पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप उसके ऊपर प्रेस जरूर कर लें, तब आप उसकी कटिंग करें। और अगर आपकी लाइनिंग सिंथेटिक है यानी कॉटन की नहीं है, तो भी आपको उसके ऊपर प्रेस जरूर करनी पड़ेगी। इससे हमारे कपड़े का मेजरमेंट सही से हो पाता है और कटिंग अच्छी होती है। तो जो मेरे लाइनिंग का कपड़ा है ये 2 मीटर है और इसको मैंने देखिए लंबाई में से बीच में से फोल्ड किया हुआ है, तो इसकी लेंथ तो मुझे पूरी रखनी है और चौड़ाई लेने का तरीका मैं आपको भी बता रही हूँ। लंबाई में से बीच में से फोल्ड करने के बाद हम एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। तो ये जो हम इसकी चौड़ाई लेते हैं वो हिप के हिसाब से लेते हैं, जितने हमारे हिप होते हैं उसका 1/4 भाग प्लस 2 इंच ये हमारी चौड़ाई होनी चाहिए। तो हम इसको 46 हिप के हिसाब से बना रहे हैं। 46 का 1/4 भाग होगा हमारा 11.5 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो वो होगा 13.5 इंच। तो ये जो चौड़ाई है हमारी ये 13.5 इंच होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास कपड़ा ज़्यादा होता है तो मैं जितना मेजरमेंट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ, ताकि अगर आगे कोई दिक्कत आने लगे तो कपड़ा कम ना पड़े। इसके बाद हम सबसे पहले अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे यानी तीरे का। तो इनकी शोल्डर लेंथ थोड़ी ज़्यादा है यानी 7.5 इंच, तो एक निशान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम यहीं से अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो वो भी हमें 7.5 इंच रखने हैं। फिर हम यहीं से अपने चेस्ट का 1/4 भाग लेंगे। चेस्ट 40 इंच है तो उसका 1/4 भाग हुआ 10 इंच, तो ये निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे। फिर हम यहाँ से अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान हम 6.5 इंच से लेकर 7.5 इंच तक कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये सब अलग अलग तरीके से लगाते हैं। तो ये निशान मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। फिर यहीं से अपने हिप के लिए यानी जहाँ से हम चाक छोड़ते हैं वो निशान लगाएंगे, वो निशान भी आप 13.5 इंच से लेकर 14.5 इंच तक कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद जो निशान हमने कमर के लिए लगाया है वहाँ पर हम कमर का 1/4 भाग लगाएंगे, तो कमर है 36 इंच, उसका 1/4 भाग हुआ 9 इंच, तो ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने हिप का 1/4 भाग लगाएंगे, तो हमारे हिप 46 इंच है तो उसका 1/4 भाग हुआ 11.5 इंच, तो ये निशान हम 11.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम सबसे पहले इन निशानों को मिला देंगे। यहां से हम इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। इसके बाद हम यहां से अपने आर्म होल को गोलाई देंगे। इसके बाद हम यहां से 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको गोलाई देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल हैं और ये हमारे पीछे के आर्म होल हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंच कटिंग के लिए रखेंगे, तो मैं थोड़ा ज़्यादा इसको कटिंग में रखूँगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। जो हमारे यहाँ पर जहाँ पर हम अपने चाक छोड़ते हैं वहाँ से हम थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि हमें मोड़ने में आसानी हो, बाकी यहाँ से ज़्यादा रखेंगे।
इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद हमारा यहाँ पर जो फिटिंग का निशान है, एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे और जो हमारी कमर की फिटिंग के सामने ये निशान है, एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि यहाँ पर हमारा कमर की फिटिंग का निशान है। और एक निशान हम हिप के निशान के सामने एक कट यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद हम इसको सबसे पहले बीच में से अलग कर लेते हैं। पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर लिया है और ये हमारा आगे का हिस्सा है। और अब हम आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम अपना जो मेन कपड़ा है वो लेते हैं। ये हमारा आगे वाला पीस है। सबसे पहले हम आगे वाले पीस की कटिंग करेंगे और इसको मैंने बीच में से फोल्ड किया हुआ है। जब भी जैसे हमारे नेक पर इस पर डिजाइन है, तो जब भी आप इसको बीच में से फोल्ड करें, आप ये देखिए नेक के बिल्कुल बीच में से इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। हम कपड़े को बीच में से फोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने डिजाइन को देखते हैं और अपने डिजाइन को हम बीच में से फोल्ड करते हैं ताकि दोनों तरफ हमारा डिजाइन बराबर आए। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। देखिए यहाँ से हमारे गले की कढ़ाई शुरू है, तो हम करीब आधा इंच ऊपर यहाँ से अपने अस्तर को रखेंगे या इतने हिस्से की पहले हम कटिंग कर लेंगे, इतना हिस्सा हमारा सिलाई में आ जाएगा। इसके बाद हम अपने आगे के जो हमारी लाइनिंग है उसको इस तरह से रखते हैं। ये दोनों बंद सिरे इस तरह से आपस में मिलने चाहिए, या तो आप सीधा इस तरह से रख के इसकी कटिंग कर लें, और आप चाहें तो पहले इस तरह से निशान लगा लें और फिर अपनी लाइनिंग को हटा लें और इसकी कटिंग कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने निशान लगा लिए हैं और अब हम अपनी लाइनिंग को हटा लेंगे। इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए नीचे इसमें बॉर्डर है, तो मैंने इसमें मोड़ने के लिए अलग से नहीं लिया है, ये हमारा बिल्कुल सीधा इसी तरह से सिल जाएगा। और जो हमारी लाइनिंग होती है वो हमारे मेन कपड़े से कम 2 इंच से लेकर आप उसको 3-3.5 इंच तक उसको छोटा रख सकते हैं। देखिए जैसे हमारी मेन जो सूट का कपड़ा है वो यहाँ तक होगा, इतना होगा, तो हमारी लाइनिंग इससे इतनी ऊपर आ जानी चाहिए। 2 इंच से लगाकर 3.5 इंच तक आप इसको छोटा रख सकते हैं। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, इसको भी हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर हम अपना पीछे का पार्ट रखते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। इनको जो बंदिश से आपस में इस तरह से मिलाएंगे और इसमें भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। हमें इसको देखिए लाइनिंग से ज़्यादा रखना है अपनी जो मेन कपड़ा है, और जितनी हमारी टोटल लंबाई है उससे मैंने इसको 3 इंच ज़्यादा लिया हुआ है, यानी तैयार लंबाई से 3 इंच ज़्यादा, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है तो ऊपर हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो हमारा ये लाइनिंग से देखिए कम होना चाहिए और ये हमारा थोड़ा ज़्यादा भी मुड़ेगा। इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए आगे के नेक हमारा बना हुआ है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम इसी के हिसाब से रखेंगे, लेकिन पीछे के नेक की जो चौड़ाई है वो हमें आगे के नेक के हिसाब से ही रखनी पड़ेगी। लंबाई हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो वो हमें कैसे रखनी है, ये हमारे पीछे के दोनों हिस्से हैं, ये लाइनिंग है और ये हमारा मेन कपड़ा है, तो इसको मैंने इस तरह से आपस में मिला के बिल्कुल सीधा इस तरह से रखा हुआ है बीच में से फोल्ड करके। और आगे का जो हमारा ये नेक है इसको भी हम इस तरह से रखते हैं आपस में, यानी ये सारे हिस्से हम इस तरह से मिला लेंगे। और ये देखिए हमारे बीच के गले के हिस्से आपस में इस तरह से मिलने चाहिए, यहाँ तक हमारे नेक की चौड़ाई है। यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, ये हमारी लाइनिंग के ऊपर लग गया निशान इस तरह से, इसको हम हटा लेंगे।
तो ये जो निशान है ये हमारे नेक की तैयार लंबाई का है, और पीछे हमें बुकरम नहीं लगानी है, हमें पट्टी लगानी है। तो इसलिए हम इसको हल्का सा यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, इतना हिस्सा हमारा सिलाई में आ जाएगा, करीब 3 इंच। तो ये हल्का सा 3 इंच से इसकी ज़्यादा है चौड़ाई, और लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कितनी भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लंबाई में इसकी 5 इंच रखूँगी, फिर यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इनको इस तरह से ऊपर मिला देंगे ऊपर वाले निशान में। फिर इसको हम गोलाई दे देंगे और दोनों को इकट्ठा रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये दोनों पीस हमारे एक साथ रखे हुए हैं, हम इनकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये साइड में से बचा हुआ कपड़ा है और इसको मैंने बीच में से फोल्ड किया हुआ है इस तरह से, और इसके बाद हम एक बार और फोल्ड कर देते हैं तो इसमें से हमारी दोनों स्लीव्स निकल जाएंगी। वैसे तो मैं अपने जो स्लीव्स हैं इनकी चौड़ाई अपने आर्म होल से 1.5 इंच ज़्यादा लेती हूँ। जैसे हमारे आर्म होल 7.5 इंच है, तो उससे अगर मैं 1.5 इंच ज़्यादा लेती हूँ तो ये हमारा 9 इंच होगा। लेकिन मेरे कई जो सब्सक्राइबर हैं उनका कहना है कि अगर हम इसको 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं तो भी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई कम रह जाती है, तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है तो हमारी यहाँ से ये चौड़ाई बढ़ जाती है, तो उससे हमारे स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा रखें, और यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ से कटा हुआ है कपड़ा, तो यहाँ से हमें अपनी स्लीव्स की जो निशान लगाएंगे वो हम यहाँ से लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा खुला हिस्सा है यहाँ पर करीब 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अगर फुल स्लीव्स है तो ये निशान आप 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। और ये हमारे आगे की जो लाइनिंग है, आगे का पार्ट है वो है, तो ये हमारे आर्म होल हैं, इनको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे करेंगे और इस निशान को हम इस तरह से लगा देंगे, तो इस तरह से ये हिस्सा हमारा छोटा नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ से अपनी स्लीव्स की तैयार लंबाई देखते हैं, तो हमारी तैयार लंबाई है 11 इंच, तो एक निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे, करीब 1.5 से 2 इंच हम मोड़ने के लिए और इधर सिलाई के लिए रखेंगे। तो एक निशान हम 2 इंच आगे लगाएंगे और यहाँ पर हम अपने स्लीव्स का हाफ हिस्सा लेंगे, जो हमारे स्लीव्स के आगे से गोलाई है तो वो है 12 इंच, उसका आधा हिस्सा हुआ 6 इंच, तो एक निशान हम इस तरह से 6 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच कटिंग के लिए रखेंगे, और फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम इसके बीच में एक कट लगा देंगे, इसमें हमें लाइनिंग नहीं लगानी है, तो इसलिए मैंने केवल जो मेन कपड़ा है उसकी कटिंग की है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को खोल लेते हैं, और जो हमारे कपड़े के सीधे हिस्से हैं वो दोनों अंदर की साइड होने चाहिए, और इसके बाद हम इस तरह से दोनों तरफ इन पर निशान लगा लेंगे, ये हिस्से हमारे आगे की तरफ आएंगे, हमें ये आइडिया रहेगा। और इसके बाद हम बीच में से इसको थोड़ी सी गहराई देंगे, ये हमारे आगे की स्लीव्स की कटिंग होगी। और अब मैं आपको इसमें लाइनिंग जोड़ना बता रही हूँ। सबसे पहले अगर हमारी लाइनिंग में सलवटें हैं तो आप उसके ऊपर प्रेस कर लें, इसी तरह से आप अपने सूट के ऊपर भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले तो हम अपने जो हमारी सूट का मेन कपड़ा है उसको इस तरह से हम सीधा रखेंगे, नीचे हमारी लाइनिंग है बिल्कुल, इनको हम इस तरह से रखेंगे एकदम, इनमें किसी भी हिस्से में सलवटें नहीं होनी चाहिए। देखिए ऊपर ये हमारे शोल्डर के हिस्से इस तरह से मिलने चाहिए। जब हम इसको आपस में जॉइंट कर लेंगे तो थोड़ा बहुत जो हमारा कोई हिस्सा कम या ज़्यादा है उसके हम बाद में कटिंग कर लेते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो सबसे अच्छा तो आपके लिए ये रहेगा कि आप इस पर या तो कच्चा कर लें, या फिर जैसे मेरे पास ये पिन है इस तरह से आप इनमें पिन लगा लें। जैसा कि ये बहुत बारीक कपड़ा है तो इस तरह के कपड़े में आपको कच्चा कर लेना चाहिए,
या फिर इस तरह से पिन लगा लेने चाहिए, तभी इसमें सफाई आएगी। डायरेक्ट अगर हम इसे मशीन से लगाएंगे तो इसमें झोल आ सकता है। देखिए, जैसे आपको इस पे कच्चा करना है तो बिल्कुल इसी तरह से रखे रखे आपको इस पे इस तरह से कच्चा करना है, जैसे मैं पिन लगा रही हूँ बिल्कुल सेम तरीके से। और दोनों हिस्से हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोनों हिस्सों में हमें पिन लगाने हैं। देखिए, मैंने इस पर पूरे हिस्से पर मैंने ये पिन लगा लिए हैं और आप देख सकते हैं कहीं भी इसमें हल्का सा भी झोल नहीं है। और एक सजेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ, इसको अटैच करने से पहले आप इसको पहले नीचे से, जो हमारी लाइनिंग है इसको पहले नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लें जितनी आपको इसको मोड़ना है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से सील देते हैं नीचे तक लाइनिंग को तो इसको मोड़ने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने नीचे तक इसमें पिन नहीं लगाई है, और पिन लगाने से पहले ही आप इसको मोड़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने इसे नीचे से फोल्ड कर लिया है लाइनिंग को, और अब हम यहाँ से इस पर सिलाई लगानी शुरू करेंगे। सिलाई लगाते रहेंगे और पिन हटाते रहेंगे, यानी हम अपनी लाइनिंग को सील देंगे। इस तरह से हमारी लाइनिंग इसमें अटैच हो चुकी है, और जो हमारा कहीं से छोटा या बड़ा है एक्स्ट्रा, कहीं से भी दोनों हिस्सों को हम कटिंग करके बराबर कर लेते हैं, और बिल्कुल सेम तरीके से हमारा पीछे का हिस्सा भी अटैच हो जाएगा। और इसके बाद इसकी स्टिचिंग बिल्कुल जैसे हमारे नॉर्मल सूट की स्टिचिंग होती है बिल्कुल सेम तरीके से होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। Thank you.